नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 11 Prime 5G versus Xiaomi Redmi 10A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 11 Prime 5G में 6.45 इंच जबकि Redmi 10A में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi 11 Prime 5G में 2.99 इंच जबकि Redmi 10A में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 11 Prime 5G में 200 ग्राम्स जबकि Redmi 10A में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 11 Prime 5G में 6.58 इंचेस जबकि Redmi 10A में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 11 Prime 5G में 1080x2408 और Redmi 10A में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 11 Prime 5G में 83.92% जबकि Redmi 10A में 81.08% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 11 Prime 5G में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi 10A में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 11 Prime 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10A की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 11 Prime 5G में Mali G57 MC2 जबकि Redmi 10A में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 11 Prime 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Redmi 10A में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 11 Prime 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Redmi 11 Prime 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 10A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi 11 Prime 5G में Android V12 जबकि Redmi 10A में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 11 Prime 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस, 6
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 10A की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 11 Prime 5G में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10A की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 11 Prime 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Redmi 11 Prime 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G71 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M33 5G है, तीसरा Tecno Spark 8P है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G22 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।